हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 32nd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फास्टनिंग और फिक्सचर्स की ही एक टाइप के बारे में, जो कि है फिश प्लेट। रेलवे इंजीनियरिंग के फास्टनिंग और फिक्सचर्स यूनिट का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिश प्लेट से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेल जॉइंट वाले चैप्टर में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करते हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं फिश प्लेट के बारे में। फिश प्लेट्स, सबसे पहले हम फिश प्लेट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये होती क्या है। फिश प्लेट्स आर यूज इन रेल जॉइंट टू कनेक्ट टू रेल सेक्शंस एंड टू एंड। फिश प्लेट हमारी रेल जॉइंट के बीच में यूज होती है टू कनेक्ट टू रेल सेक्शन, दो रेल सेक्शंस को एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए। इसे हम फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, हमने जहाँ पर रेल सेक्शन में एक जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है ताकि हमारे ये दो रेल सेक्शन आपस में कनेक्ट हो सके। इस रेल जॉइंट में हमने यूज़ की है फिश प्लेट। इस जहाँ पर आप एरो देख रहे हैं वो है हमारी फिश प्लेट। फिश प्लेट को हमने फिक्स किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। आप देख सकते हो हमने जहाँ पर 4 बोल्ट यूज़ किए हुए हैं इस फिश प्लेट को रेल सेक्शंस में कनेक्ट करने के लिए, इसे फिक्स करने के लिए। इट रेजिस्ट द इम्पैक्ट एंड ट्रांसफर द लोड ऑफ द व्हील्स फ्रॉम वन रेल टू अनदर। फिश प्लेट हमारी मदद करती है एक रेल सेक्शन से दूसरे रेल सेक्शन पर ट्रेन के लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, और साथ ही साथ जे इम्पैक्ट लोड को भी कम करती है, थ्रस्ट को भी कम करती है एट द एज ऑफ द जॉइंट। अगर जहाँ पर जे अच्छे से होल्ड नहीं करेगी तो हमारे जॉइंट जो है रेलवे व्हील की वजह से अगर इस पर थ्रस्ट लगेगा तो जे जॉइंट हमारे ख़राब हो सकते हैं, इसके एज हमारे ख़राब हो सकते हैं। जहाँ पर हमने फिश प्लेट को कनेक्ट किया हो ताकि हमारी जो है रेल का एक तरह से लेवल बना रहे, और साथ ही साथ इसके एज पर किसी भी तरह की जो है खराबी ना हो, किसी भी तरह का वेयर और टेयर ना हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ दी फिश प्लेट्स। फिश प्लेट के बहुत से टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, अकॉर्डिंग टू रेल यूज्ड। यहाँ पर हम देखेंगे इसके दो टाइप्स के बारे में जानेंगे हम, जो कि है कि हमने किस टाइप की रेल यूज़ की है। अकॉर्डिंग टू द रेल यूज्ड के हम जानेंगे कि इसके कौन से टाइप हैं। आपको मैक्सिमम जो है एकेडमिक एग्जाम में सिर्फ दी दो टाइप्स के बारे में ही पूछा जाता है, और आपको दो टाइप्स के बारे में ही एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा जो टाइप्स होते हैं वो आपको ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं एकेडमिक एग्जाम्स में। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ ये दो टाइप्स ही होते हैं। सबसे पहले है वोन शेप्ड फिश प्लेट। बोन शेप्ड फिश प्लेट हम यूज़ करते हैं फ्लैट फुटेड रेल में। फ्लैट फुटेड रेल क्या होती है, जो रेल का एक टाइप है, रेल सेक्शन का एक टाइप है। रेल सेक्शन के जो है 3 टाइप होते हैं, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। अगर आपने हमारा रेल सेक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसे अच्छे से जानने के लिए आप हमारे रेल सेक्शन वाला लेक्चर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम फ्लैट फुटेड रेल में, जो कि हमारी मोस्टली इंडिया में यूज़ होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोन शेप्ड फिश प्लेट। जैसे आप देख सकते हो इस फिश प्लेट के जो शेप है वो बोन की तरह है, इसे हमने फिक्स किया है फिश बोल्ट की मदद से। नेक्स्ट है हमारी इंक्रीज डेप्थ। इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट हम यूज़ करते हैं बुल हेडेड रेल में। जैसे आप देख सकते हो ये है हमारी बुल हेडेड रेल, जहाँ पर हमने इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट यूज़ की है। जैसे आप देख सकते हो इस फिश प्लेट की जो डेप्थ है काफ़ी नीचे तक गई है, इसलिए इसका नाम है इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट। आप देख सकते हो यहाँ पर बोन शेप्ड में जो है आधी ही फिश प्लेट है, यहाँ पर नीचे तक की गई है, और जहाँ पर हमने इसे फिक्स किया है विद दी फिश बोल्ट। बुल हेडेड रेल हमारी जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स पर यूज़ होती है ज़्यादातर, और जो हमारी डबल हेडेड रेल है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए नहीं की है क्योंकि वो हमारे इंडिया में अभी यूज़ नहीं होती है। तो मेनली हमारे इंडिया में सिर्फ ये दो टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन यूज़ होते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी जो है फिश प्लेट यूज़ होती है। पहली है बोन शेप्ड फ्लैट फुटेड के लिए और बुल हेडेड के लिए इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशंस ऑफ फिश प्लेट। इस डायग्राम में आप सभी स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हो फिश प्लेट की। ये है हमारे ये डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हैं, ये है हमारे रेल सेक्शन। बीच में हमने दिया है एक रेल जॉइंट जहाँ पर एक्सपेंशन गैप है। ये है हमारी फिश प्लेट जो कि परमानेंट लाइंस में है। फिश प्लेट में हमने जो है 4 होल प्रोवाइड किए होते हैं। एक होल का डाया होता है 32 mm, और इन होल्स की सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होती है वो होती है 114 mm, और जो एज के बीच में स्पेसिंग होती है वो होती है 57 mm। इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हो फॉर दी एक्स्ट्रा मार्क्स। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिश प्लेट। फिश प्लेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दे शुड नीड टू होल्ड रेल एंड टुगेदर करेक्टली।
हमारी जो फिश प्लेट है उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो हमारे रेल जॉइंट को, जो रेल एंड को है, वो अच्छी तरह से पकड़ के रखे, अगर हम उसकी मदद से जो है रेल जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल सेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, इसमें जो है फ्री लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट मतलब होता है कि लेंथ वाइज मूवमेंट, हमने जहाँ पर एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड किया हुआ है वो इसलिए प्रोवाइड किया होता है ताकि हमारी जो मेटल है जो है वार्म वेदर में जो है एक्सपेंड करती है और कोल्ड वेदर में श्रिंक करती है ड्यू टू दी टेम्परेचर वेरिएशन। इसलिए जो हमारी फिश प्लेट है वो उसमें ऐसी करेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ताकि जो मेटल में श्रिंकेज होगी या फिर एक्सपेंशन होगी उसमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, रेजिस्ट ऑल टाइप ऑफ वेयर एंड टेयर। इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये हर टाइप के वेयर और टेयर को रेजिस्ट कर सके। इजी रिन्यूएबल एंड रिपेयर, इसकी रिन्यूएबल और जो हम रिन्यूएबल मतलब होता है कि चेंज करना, रिपेयर रिपेयर होती है यानी कि हम इसे मेंटेन करते हैं, रिपेयर अगर इसमें कोई ख़राबी हो जाए तो रिपेयर कर सके हम इसे। ये सभी जो है इसकी इजी होनी चाहिए, इजी मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस भी इजी होनी चाहिए, जैसे इसके जो बोल्ट लूज हो जाए तो उसको जो है टाइट करना, वो सभी सब कुछ जो है वो इजी होना चाहिए। इसकी अलाइनमेंट बनाना वो भी इजी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर के सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियर के प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फास्टनिंग और फिक्सचर के बारे में डिटेल में, तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।